बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर छोटी बड़ी परेशानी दूर फरमाए अल्लाह ताला, और सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं, आलू चने की चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने हाफ कप मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसको हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, वन टीस्पून हमने जीरा लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें पहले आलू फ्राई कर लेंगे अपने। ये आलू हमने बॉईल कर लिए थे, 3 अदद आलू हैं। अब हम इसको हल्की सी इसको फ्राई कर लेंगे आलू को, सिर्फ 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे क्योंकि बॉईल है आलू, फिर 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। ये आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये आलू फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं। अब हम अपनी प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा भूनेंगे कि पिंक हो जाए। मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको। ये हमने 2 दरमियानी प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया है और हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ी देर तक ही फ्राई करेंगे। हमारी प्याज फ्राई हो गई है, अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने, अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 टेबलस्पून हमने चाट मसाला लिया है। 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून नमक है। नमक हमने छोलों में भी डाला था, चनों में अपने बॉइल करते वक्त, इस वजह से हमने नमक कम लिया है। अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। कुछ तरीके से भून लेंगे। अब हम अपने टमाटर ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं, इसको चॉप कर लिया है। अब हम टमाटर फ्राई करेंगे। हम 4 से 5 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जब ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाएगा फिर हम इसमें अपने छोले ऐड करेंगे। अभी हमारा टमाटर भी भून गया है अच्छी तरीके से, मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया है। अब हम इसमें अपने चने ऐड करेंगे। एक बार चने लिए थे हमने, इसको रात को भिगो दिया था, सुबह में इसको हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये अब हमारे छोले भून गए अच्छी तरीके से। अब हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। हमने 4 अदद आलू लिए थे, इसको फ्राई किया था पहले।
अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू को, जैसे कि हमारी आलू चना चाट है ये। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम इमली का पानी ऐड करेंगे, जैसे इमली का पानी है जो कि हमने निकाली है, और फिर इसको हम 2 मिनट चलाएंगे और ये हमारे आलू चने की चाट तैयार है। बहुत अच्छी लगती है खाने में रमजान में, खास तौर पर रमजान में बहुत अच्छी लगती है। हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अब हमारे आलू चने की चाट तैयार है, अब हम इसको सर्व करके दिखाएंगे। सो व्यूवर्स, हमारी आलू चना चाट की चाट बिल्कुल तैयार है, रेडी हो गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी है बहुत। इसको जरूर ट्राई करेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।